कौन है? आ जाओ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ है 27 मई, yes, 27 मई बैच, और आज यहाँ पे कंप्लीट होते हुए आज इनका लास्ट डे है, फेयरवेल है। तो आज सर्टिफिकेशन भी है, सर्टिफिकेट भी देंगे, और अभी केक काटेंगे, सब लोग मिल के खाएंगे अभी। yes. और 20 दिन से मेहनत किए, डेली 10 घंटा यहाँ पे क्लास चल रहा था, सुबह से शाम तक क्लास कर रहे हैं, और 20 दिन से अपने घर छोड़ के, शहर छोड़ के यहाँ पे हैदराबाद में आए, यहाँ पे फोन फिक्स में 20 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है इनका, और काफ़ी सारा काम सीखे हैं जो पहले सा लेवल था। और अब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, EMMC तीनों, कैसा रहा भाई सफ़र 20 दिन का? आवाज़ जाना घर तक, अच्छा रहा? मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया। पहले से जो काम वापस जाता था अब तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। हर चीज़ देखे आप, स्टेप बाय स्टेप, काफ़ी सारे सेट बनते हुए भी देखे आप लोग, ठीक है। जो साथ में लाए थे आपके साथ, वो वाले सेट भी बनाए। इंस्टीट्यूट का तो कुछ नहीं था यहाँ पे, जो भी रिपेयर करे आप ही का करे। तो देखो, जितने भी सेट आप लोग साथ में लाते हैं, उसमें कोई सेट ऐसा रहता है कि एकदम टोटली पूरा बोर्ड ही खराब रहता है उसमें, तो वैसे वाले तो हम जाके स्वाइप कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे रहते हैं जो कि हम रिपेयर कर ही सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पे रिपेयर करें। बाकी हार्डवेयर आपको पहले सिखाया गया, 15 दिन पूरा हार्डवेयर, जिसमें थ्योरी बताई गई 3 घंटा, उसके बाद हैंड स्किल का काम 8 घंटा करें आप लोग। तो दोनों चीज़ ज़रूरी है कि नहीं दी? अगर दिन भर में खाली आपको बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ, और रात में 7 बजे तक, और रात में 1-2 घंटा अगर हैंड स्किल का काम दूँ, तो क्या ऐसे लेवल तक पहुँच सकते हैं क्या आप लोग? बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे इंडिया के अंदर है जो दिन भर आपको खाली थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सुबह 10 बजे से जो थ्योरी कर रहे हैं, तो रात के 7-7 बज जा रहे हैं। तो खाली आप थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा भी अगर आपको दे दिया जाए तो सर पे से चले जाता, कन्फ्यूज़ हो जाते आप लोग, है ना। जैसा कि सर भी आपको बता रहे सॉफ्टवेयर करना है तो सैमसंग का है, ओडियन से करो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं आपको, कॉलकम का है, MI के सेट है, आप MI फ्लैश टूल से भी कर सकते हैं, UMT से भी कर सकते हैं, आप अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर 5-6 अगर आप करने जाएंगे तो दिमाग में घुसेगा क्या ऐसा? रिवॉल्विंग का तरीका बताए सबको, एक जैसा, एक जैसी हीट एक जैसी रखनी है, एयर एक जैसी रखनी है, सबके पास सेटअप जो है, सारा ब्रांडेड टूल है ना आप लोगों के पास, ऐसा ऑर्डिनरी टूल तो नहीं है, कुछ PPT कम दे रहे हैं या थिनर कम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ क्लास में स्टेंसिल बाजू वाले कंधे खींच रहे, मेरा EMMC का नहीं मिल रहा, तेरा यूनिवर्सल नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं है। सबका आयरन है, सबका SMD वगैरह सबका था। तो जो काम करें, मज़ा आया आप लोगों को? सेटिस्फाई है कि नहीं है भाई? आज लास्ट डे है इसलिए पूछ रहा हूँ, लाइव चल रहा है वीडियो, ऐसा कुछ भी रहा गलत तो भी बोल सकते आप कि नहीं सर इसमें ये चेंजेस करो, सिखाने में आपसे कमी होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, जो सोच के आए थे मिला आप लोगों को, हार्डवेयर भी मिला, सॉफ्टवेयर भी मिला, सर्किट डायग्राम सब लोग रीड कर सकते हैं अभी, IC वगैरह ब्लैक पेसेट खोलने से डरेंगे तो नहीं? नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये पूछना चाह रहा हूँ, किसी और इंस्टीट्यूट में दिखेंगे क्या अभी? नहीं, जरूरत है क्या किसी को भी? यहाँ पहले फ्रेशर कौन है भाई इसमें, जो पहले कभी काम नहीं करते थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदे, 7 बंदे, तकरीबन आधा बैच फ्रेशर है, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी जो आप लोग सीखे हैं 2 से 3 महीना इस पे जाके प्रैक्टिस करिए, हैंड स्किल में और थ्योरी के ऊपर काम करते रहिए, जितना हो सका उतना प्रैक्टिस में आप टाइम दीजिए। समझ में आ रहा है? देखो हमारे साथ अब्दुल खदीर कहाँ है भाई? अब्दुल खदीर भाई थोड़ा आप बोलो भाई, देखो ये बच्चों को थोड़ा आप गाइड करो, आप गए थे पहले कोर्स करके वापस दोबारा आए, इन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो एक साल जो गुजारे आप वैसा ये लोग नहीं गुजारना, वो तो क्या बोलना चाहेंगे? सर इनको मैं बोलूंगा कि जाके काम करना, काम मत छोड़ना। मैंने पहले जाके यहाँ से 8 महीने तक कुछ काम नहीं किया, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा, और सर ने मुझे दोबारा से सपोर्ट दिया, बुलाया खुद से कॉल करके, और यहाँ भी बहुत अच्छे से गाइड किया। अभी जो डायग्राम साहब बनाए एकदम नीट फेयर बनाए उसके, जी सर, इनके लिए क्लास भी एक बार, कहाँ है आपके डायग्राम में सर, बता सकते थोड़ा हिदायत आपका भी लेके आओ ना, थोड़ा सा एक बार बताना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद में केक तो अपना ठंडा ही छो रहा है, केक काट के खाते हैं, इसके बाद फूली है वैसे, ठीक है। आपका कहाँ है? आपका बताना जरा, इतना मेहनत करें आपका भाई, एक 5 मिनट बच्चों को बता दें ताकि उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। थोड़ा कैमरा लेके आओ भाई, देखो ये अब्दुल खदीर भाई हमारे, जो कहाँ से आप वैसे? यूपी सर। यूपी से है, इनके डायग्राम से आप देखेंगे कितना अच्छा बनाए, ये देखो यहाँ पे, ये ओप्पो का है A3S, यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन बनाए, यहाँ पे देखो DC to DC, और ये लाइट IC है इनकी 9 वॉल वाली, यहाँ पे आपका ग्राफिक IC, ग्राफिक सेक्शन कौन सा मॉडल का है ये, ठीक है। यहाँ पे ये बनाए पावर सेक्शन, पावर IC के अंदर ये जो बनाए WCD ऑडियो IC, ये आप समझ के बनाए, समझ के बनाए, ये देखो ये जो बनाया जाता है यहाँ पे रात में बनाए ना एक्स्ट्रा हॉस्टल में, थोड़ा आपका भी, ये देखो भाई इनका, इधर आओ भाई, ये देखो ये भाई साहब कितना अच्छा बना है, ये मेहनत करे इन्हों, ताकि आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेहनत भी कराई जाती है, ऐसा नहीं कि खाली बिठा के हम यहाँ पे रख दे रहे आपको,
ये देखो लाइट आईसी हो गया, यहाँ पे भी हो गया लाइट आईसी, D8 बना दिए इसका सर्किट डायग्राम, ये ग्राफिक सेक्शन बनाए, इसके आगे ये क्या बनाए भाई, A30 लाइट ग्राफिक आईसी है इसका। यहाँ पे डायग्राम में तो अपने को इस तरह से मिलता है, लेकिन बोर्ड में तो अपने को ऐसा रहता है, ये सब आना चाहिए। एक एक लाइन के बारे में बता सकते ना क्या क्या आ रहा है? ठीक है, आप भी अच्छा बनाए भाई, वेरी गुड। आप कहाँ से थोड़ा बताओ? औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ठीक है, और आप? मैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से, देखो भाई यहाँ से पहले से बता रहा हूँ मैं, ये जो बनाए ये ऐसा दिखते चार, हाँ ये क्या नॉर्मल टेक्नीशियन बना सकते हैं ये? जब तक आपको बताया नहीं गया, जब तक आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पे कुछ कनेक्टर भी बनाए, ये देखो भाई, ये वाला एनोड सैमसंग का है लाइट, ये किसका है? A50 का बना है लाइट और ग्राफिक डाटा शीट। ये क्या बना है? पावर आईसी के अंदर 8937 पावर आईसी में क्या क्या सेक्शन है? ब्लॉक LDO सेक्शन हो गया, फीड ये हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन, GPIO सेक्शन, बक सेक्शन, ये ऑडियो और ये कंट्रोल सेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा बना है। आपका लाओ हिदायत, थोड़ा इधर आओ सामने, यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ हिदायत का, ऐसा पकड़ो हिदायत थोड़ा सा। ये देखो भाई, ये कंपोनेंट से लेके जो स्टार्ट होती है क्लास, लाइन ट्रेसिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने बनाया है। ये जो चीज़ है ये एकदम मेहनत करने से ही आती भाई, ये समझने से ही बना सकते। ये कॉपी तो नहीं करे हिदायत कहीं से, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से तो नहीं है? मैं बताया उसे सारा। ये देखो भाई कितना अच्छा बना है, ये होती है मेहनत। ये देखो तो ये YouTube वगैरह पे मिलता है क्या आप लोगों कहीं पे? नहीं सर। हाँ, एक बार सबके लिए जोरदार क्लैप भाई, वाह। तो यही चीज़ है, बोर्ड में तो आईसी सब लोग निकाल के लगा लेते हैं अभी YouTube देख देख के भी, लेकिन यहाँ पे आपको हैंड स्किल का तरीका ब्लैक पेस्टेड इजी वे में बताएं, डुअल लेकर बनाए, कितने लोग तो डुअल लेकर ऑन सेट पे भी काम कर लिए, और जो फ्रेशर है जो बोर्ड नहीं लेके आए वो जाके 100% करके बताते कि नहीं बताते? इजी है कि नहीं है डबल लेकर? और आप लोगों को ये बात मालूम कि नहीं कि इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट बनाए डबल लेकर कौन से? सब बना के बताएंगे, बताएंगे ना भाई? चलो भाई आ जाओ, छुरी दे दो इनके लिए, कहें केक कट करने का, एक बार डबल लेकर का ही बना के लाएंगे केक। नहीं रहने दो, आओ तुम लोग काटो, चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू 27 मे बैच स्टूडेंट, क्या बात है। साल लोग पहले चाकू के साथ है क्या? थैंक यू। सुनो अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा बाजू रखेंगे, उसके अंदर में काट के खाएंगे, ठीक है? सर्टिफिकेट ले लेंगे। थैंक यू। शिवा रख दो, रख दो तुम, रख दो, ठीक है। अब ऐसा सब जाना खिला दे रहे तो हम लोग सर्टिफिकेट ले लेंगे फिर खाएंगे बैठ के आराम से, रख दो सर्टिफिकेट ले लेंगे। बंद करो, हाँ बंद करो सर।